स्वागत है आपका मेरे किचन में, यानी कि सारिका के किचन में, जहाँ पे मैं आपको डेली नई नई सब्जियाँ बनाना सिखाती हूँ, नए नए तरीके के खाने बनाना सिखाती हूँ, जिससे कि आप अपना डेली की कुकिंग जो है, रोज़मर्रा का जो खाना है, आप उसको और बेहतर बना सकें और स्वादिष्ट बना सकें और दूसरों की तारीफों के पात्र बन सकें। तो इसके लिए चलिए देखते हैं आज क्या बन रहा है मेरे किचन में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घर पे मटर की तहरी बनाना सिखाने जा रही हूँ। तहरी उत्तर भारत में तो बहुत ही ज्यादा बनती है, खास करके यूपी में, वो भी सर्दियों के दिनों में। सर्दियों के दिनों में जब आपका बहुत कुछ बनाने का मन नहीं करता है, बहुत ज्यादा झाम बनाने का मन नहीं करता है, तब ये तहरी बहुत ही आसान रहती है, लाजवाब भी लगती है और टेस्टी भी, सीजनल भी होती है, क्योंकि हमने इसमें सीजन की मटर डाली होती है, पौष्टिक भी होती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी ज़्यादा मटेरियल के, बिल्कुल बेसिक मटेरियल के साथ हम इसको बनाएंगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं यूज़ किया है इसमें चावल और मटर के अलावा, बस चावल और मटर है जिसको कि हमने साथ में एक तरीके से पकाया है, जिस तरीके से ये तहरी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने इसमें ऊपर से तड़का लगाया है, आप इसमें साथ में देसी घी और नींबू का तड़का लगाइए और मजे लीजिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखिए इसके लिए क्या किया है मैंने, यहाँ पे ये दो कटोरी चावल लेकर के इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। आप यहाँ पे कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बासमती ही हो, जो भी चावल, आधा पौना टुकड़ा, जो भी आपको चावल मिले आप वो यूज कर लीजिए। ये देखिए ये 3/4 वाला मैंने यहाँ पे बासमती राइस यूज किया, आप नॉर्मल कोई भी राइस इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे हरी हरी सुंदर सुंदर मटर के दाने तैयार कर लिए हैं छील करके। सर्दियों की शान है ये मटर के दाने और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ फटाफट शुरू करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए कुकर को गर्म कर लिया है, भारी तली का ही बर्तन लेना है हमें यहाँ पे, और हमने इसमें डाला है खूब सारा देसी घी, जितना आपको पसंद हो उतना डालिए। सर्दियों में जो होता है वो देसी घी हमें बहुत ही अच्छी ताकत और गर्मी दोनों पसंद प्रदान करता है और हम इसे अच्छे से पचा भी सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जीरा और साथ ही हम इसमें अपनी ये धुले हुए चावल ऐड करेंगे। देखिए एक सेकेंड के लिए हम यहाँ पे चावल को जरा सा ये घी में फ्राई कर देंगे, तो हर फिर चावल के दाने के ऊपर ये घी हमारा लग जाएगा। चावल के दानों की कोटिंग होने से क्या होता है कि जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा खिला हुआ सा बनता है, हालांकि हमें यहाँ पे खिला हुआ चावल बिल्कुल नहीं चाहिए। ये हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये अपनी मटर के दाने, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पानी। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, और बस यहाँ पे हम इसको एक सीटी लगा करके गलने देंगे। ये देखिए इसकी प्रेशर पूरी रिलीज हो चुका है हमारा, और वाव क्या पुलाव बना है हमारा, ये एकदम मस्त। ये देखिए इसको कैसे सर्व करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, पूरा तरीका आप सीख लेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। ये देखिए इसको हमने यहाँ पे अपना प्लेट में निकाली और यहाँ पे गरम किया है तड़का पैन, इसमें हम डालेंगे फिर से घी। जैसे ये घी मेल्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, तब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा और स्वाद अनुसार लाल मिर्च। बस यहाँ पे इसको अच्छे से तड़का लेंगे थोड़ा सा जीरे को, और अब हम इसमें अपनी
तहरी के ऊपर ऐड कर देंगे इस तरीके से। साथ ही आप इस पे नींबू का जूस भी डाल सकते हैं यदि आपको पसंद हो तो, और इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। धन्यवाद। कैसी लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी, मुझे जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिए और अपने विचार मेरे लिए जरूर छोड़िए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, क्या आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो इस तरीके की आपके लिए पोस्ट करूं या फिर ना करूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद।